यमुनानाथ आप क्यों धरती मुरझा करके गिर गई? सच लगते हैं आपको उम्र देख करके शादी नहीं हुई है। महारानी हाँ स्वामी, जिस बात को एक मर्द होकर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, भला तू कैसे बर्दाश्त करेगी महारानी? आज हुआ क्या पतिनाथ, क्या आपको शादी नहीं हुई है क्या? करमहीन सागर गया जहां रतन की ढेर, कर फरत घोंघा मिले, देखो करम का खेल। मैं बार बार कहा शादी मुझे मत करवा महारानी, लेकिन तुम मेरा एक भी बात को नहीं मानी। आप बोल करके क्यों नहीं बता रहे पतिनाथ, आखिर हुआ क्या? अरे सब तो शादी किया और आधी रात में माकर डोली को रुकवा लिया और मुझसे सत करवा लिया। सत करवाने की बात पूछ दिया आपके महल के अंदर कौन कौन है, आप क्यों नहीं बता दिए? मैंने कहा बाबू से दादा शहर नौकरी चाकर नौरी बानी है, तुम शिवारी एक पटरानी मेरे महल के अंदर है, वह चमक उठी और कई टोली यहां से आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए उस महल में जो महारानी है वो मेरी सुल्तान है, वह बांझ है, उसे घर से सदा के लिए वनवास कर दिया। नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। Thank you.
कैसे का बुलावे सामने स्वामी जी बताइए मैं अब क्या बोलगी भगी जी। आप चाहते हैं इस कलमुए आदमी को घर से बर्बाद करने के लिए और आप यहाँ गले से गले मिल रहे हैं। महारानी देख रही हो फूलों से सुकुमार महारानी है, इसे घर से बेघर मत करो। बताइए स्वामी जी उत्तमपुर सीमांत पर से उत्तमपुर से आते आते मेरी पैर छला पड़ गया। बाप बदल क्यों चले आई तो मैं क्या करती बैठी वहाँ पे थे सवारी में भेजना ही वाला था। हाय हाय आपने सवारी भेज नहीं पाले थे आपने सवारी क्या भेजेगा आप तो आपने सवारी भेजते हैं। आज तक कोई महाराज अपनी पत्नी के आगे सर नहीं झुकाया होगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ अपना सर झुकाता हूँ इस एक नौकरानी बनाकर एक दासी बनाकर अपना सेवा करवाना लेकिन इसे जीते जागते बनवास मत करो महाराज। स्वामी जी आप छोटी सी बात के लिए खामोश हो जाते हैं। बड़ी दीदी एक माँ की सम्मान होती है नहीं भला बड़ी दीदी की बात कैसे करो। मैं बड़ी दीदी से मिलती हूँ आप जाइए महल में गरम गरम चाय पीजिए। आहे यो हो जाबा ला गई है रानी जी दिमाग नहीं है क्या अपने पति को धक्का देना अच्छा नहीं होता है बाहर। ओह मैं पगली हूँ हरमजादी तुम मुझे सबक सिखाएगी मैं किसके घर में कैसा बर्ताव करूंगी रे। सबसे पहले बता महाराज तुम्हारे पास आया था तुमसे कुछ कहा नहीं था। हाँ महान मेरे पति नाथ बोला था इस माल को चोर करके तुम बनवास की चली जाओ। तो बताओ अभी तक इस माल को छोड़ के क्यों ले गई है। बहन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी छोटी बहन आएगी उसे देख करके मैं बनवास की चली जाऊंगी। हरमजादी अगर इस माल को छोड़ के नहीं जाएगी तुझे मैं इतना पिटाई करूंगी ऊपर का चाँद नीचे और नीचे का चाँद ऊपर का डालूंगी। शायद तुझे पता नहीं है तुम एक बांझ औरत हो अगर बांझ की परछाई मेरे पर पड़ जाएगी तो हो सकता है मैं बांझ ठहर सकती हूँ। ऐसा मत कहो बांझ ऐसा मत कहो।